शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में महावितरण द्वारा विद्युत आपूर्ति करने के लिए जगह जगह पर विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, किंतु अनेक क्षेत्र में मार्ग के पास शाला परिसर समेत अनेक जगह खुले ट्रांसफार्मर है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका है। इसलिए संबंधित प्रशासन इस ओर ध्यान देकर खुले ट्रांसफार्मर तत्काल बंद करने की मांग नागरिकों द्वारा की गई है। जिले में महावितरण कंपनी द्वारा ग्राहकों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। जिले में घरेलू व्यवसायिक ऐसे विविध विद्युत ग्राहक है। विद्युत वितरण में सुविधा हो, इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, किंतु गत अनेक दिनों से इन ट्रांसफार्मर की दुराव्यवस्था हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में महावितरण की अनदेखी करने के कारण इन खुले ट्रांसफार्मर से खतरा है। मार्ग के पास शाला परिसर आदि जगह खुले ट्रांसफार्मर दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा अनेक ट्रांसफार्मर के बॉक्स भी फ्यूज नहीं है, उनके जगह तार जोड़े गए हैं। अनेक जगह विद्युत तार झुके अवस्था में है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ गया है। इससे जन हानि होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। अनेक जगह दुर्घटनाओं में मवेशियों को जान से हाथ धोना पड़ा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के ट्रांसफार्मर खुले अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। भीड़ रहने वाली जगह के विद्युत ट्रांसफार्मर पर सुरक्षा कंपाउंड लगाने की मांग की जा रही है। नागपुर की मशहूर शेफ नीता अंजनकर ने कैंसर से जन जागरूकता के लिए यह पहल की है। दरअसल 10 साल पहले उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। हालांकि उन्होंने इस बीमारी पर काबू पा लिया और फिर एक महीने पहले वह फेफड़ों के कैंसर से ग्रसित हो गई। उन्होंने इस बीमारी का सामना और रोग से लड़ने की भावना से 1000 किलोग्राम की खिचड़ी बनाने का संकल्प लिया और रविवार को यह रिकॉर्ड भी पूरा किया था। उन्होंने कहा कि यह पहल कैंसर योद्धाओं के लिए की गई है जो कैंसर से लड़ रहे। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस पहल को दर्ज किया है। इस मौके पर नीता अंजनकर ने सलाह दी है कि बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तरी पण ती एनर्जी जी आहे ती मी कायम ठेवलेली आहे आणि हा उपक्रम मी कॅन्सर पेशंटसाठी केलेला आहे आणि याच्या पुढे असेच उपक्रम करत राहील आणि आजचा दिवस माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा दिवस आहे। मुक्त नाही झालेली आहे। मी 10 वर्षापूर्वी मला कॅन्सर झाला होता। 5-6 वर्षापूर्वी मी मुक्त झाली होती। म्हणजे 10 वर्षापूर्वी मला आत्तापर्यंत वाटत होतं की मी मुक्त झाली आहे, पण पुन्हा मला कॅन्सर आलेला आहे आणि तो लंग्समध्ये आहे। पण मी त्याला हसत समोर गेलेली आहे। आलाय तर आला आहे, हसत जा किंवा रडत जा हे तुमच्या हातात आहे आणि मी त्याला हसत समोर गेलेली आहे। त्याच्यामुळे मेडिसिन तुमचं काम करतं तुमच्यावरती। तुमचं पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड हे मेडिसिनपेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट आहे आणि म्हणूनच मी आज माझ्या 7 किमो झाल्यानंतर मी आज स्टँड होते आहे आणि हा विक्रम केलेला आहे आणि हे माझ्या सगळ्या कॅन्सर पेशंटसाठी किंवा सगळ्यांसाठी एक मोटिवेशन म्हणून मी केलेलं आहे। राज्य शासन के राज्य शिक्षा मंडल द्वारा निजी जिला परिषद एवं नगर पालिका शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों को किताबें और 2 जोड़ी गणवेश निशुल्क दिया जाता है, लेकिन इस शिक्षा सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों को शाला के पहले ही दिन जूते मोजे दिए जाएंगे। इसे लेकर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद मुंबई के राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीप कुमार डांगे ने आदेश जारी किए है। वर्ष 2023-24 इस शिक्षा सत्र से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की कक्षा 1 से 8 तक की शालाओं में विद्यार्थियों को 1 जोड़ी जूते तथा 2 जोड़ी मोजे देने की नई योजना शासन ने शाला प्रबंधक समिति के माध्यम से शुरू की है। इस योजना के तहत जूते मोजे प्रति लाभार्थी 170 रुपयों में दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी शालाओं में गरीब कामगार किसान खेत मजदूर के बच्चे शिक्षा लेते हैं। इन्हें निजी शालाओं की तरह सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन की सभी वस्तु गणवेश किताबें व अन्य सामग्री पहले ही दिन दी जाएगी। नाबालिग पर अत्याचार करने वाले दुष्कर्मी को भंडारा सत्र न्यायालय ने 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 1000 रुपए भी जुर्माना लगाया है। आरोपी का नाम साकोली तहसील के गढ़कुमली निवासी दूधराम पांडुरंग खड़के उम्र 65 वर्ष बताया जा रहा है। दूधराम खड़के ने 12 जनवरी 2022 को नाबालिग लड़की के साथ खेत में दुष्कर्म किया। पीड़िता के माँ ने साकोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी दूधराम खड़के पर धारा 376 भादवी उपधारा 10-12 पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में भंडारा के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश
देशपांडे ने सबूतों के आधार पर आरोपी दूधराम पांडुरंग खटके को धारा 10 पोक्सो के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 1,000 रूपए जुर्माना, 6 माह साधारण कारावास की सजा, 12 पोक्सो के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,000 रूपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 3 माह साधारण कारावास की सजा का प्रावधान रखा है। पैरवी अधिकारी का कार्य जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुशांत सिंह, साकुली के थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में महिला पुलिस उप निरीक्षक पूनम कुंभारे ने संभाला। जिले में नदियों और तालाबों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है, किंतु तालाब और नदियों से समृद्ध भंडारा जिले में ग्रीष्मकाल में पानी की किल्लत हो रही है। सैकड़ों गांव को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण एवं प्रादेशिक योजनाएं भी जलापूर्ति करने के लिए असफल दिखाई दे रही है। कुछ गाँव में अब टैंकर से जलापूर्ति की नौबत आ पड़ी है। जिला प्रशासन ने 340 गाँव की संभावित पानी की किल्लत पर उपाय करने रिपोर्ट तैयार की है। इन गाँव में 472 निर्माण कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कुओं का गहराईकरण, गाद निकालना, नल योजना एवं जलापूर्ति करने वाले कुओं की मरम्मत ऐसे विभिन्न कामों का समावेश है, जिस पर 3,27,00,000 रुपए का खर्च प्रस्तावित है। अप्रैल से जून की अवधि में यह काम पूरे किए जाएंगे, किंतु यह तो प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसा हो गया है। नागरिकों को इधर पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उपाय योजनाओं की गति धीमी है। फिलहाल तुमसर, मोहाड़ी तथा लाखनी तहसील में पानी की समस्या है, जिससे छुटकारा पाने के लिए बावनथड़ी प्रकल्प का पानी बावनथड़ी नदी में और पेज का पानी सोन नदी में छोड़ने की मांग हो रही है। जिले में औसतन 1,300 मिलीमीटर बारिश होती है, किंतु बारिश का पानी जल पुनर्भरण कम होता है। जलयुक्त सिवार के माध्यम से गांव-गांव में पानी रोका गया, किंतु जल पुनर्भरण नहीं होने के कारण पानी की किल्लत हो रही है। जिले में 547 ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं जर्जर हो चुकी है। गर्मी के दिनों में इंसानों के साथ साथ मूक जानवरों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए भटकना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए एनसीपी के नेता इंजीनियर सागर कभने ने तुमसर शहर में एक अभिनव पहल की है। यात्रियों और पंछियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए शहर के मुख्य चौराहे पर प्याऊ का उद्घाटन किया है। पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं, उनमें दाना पानी उपलब्ध कराया गया है। यह पहल शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसमें एक ही समय में बोलने वाले और मूक जानवरों के प्रति अपना सामाजिक कर्तव्य भी पूरा किया है। पुराना बस थानक चौक पर उद्घाटन स्थल पर लगाया गया जल कुंभ का बैनर भी चर्चा में है। ग्रीष्मकाल में इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। जल कुंभ के पास पशुओं के लिए मिट्टी के बर्तन रखे हैं, साथ ही पास में बैनर लगाकर नागरिकों से इस मिट्टी के बर्तन में समय समय पर पानी डालने का आह्वान किया है। जल कुंभ का उद्घाटन करते समय राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस शहर अध्यक्ष इंजीनियर सागर गब ने नरेश मुठघरे, फिरोज शेख, अनूप तिड़के, संकेत गजबीये, राहुल रणदीवे, अर्पित खानोरकर आदि उपस्थित थे। शहरामध्ये उष्णता 40 डिग्रीच्या वर नेहमी आढळत असते आणि त्यामुळे येथील नागरिकांना येता जाताना खूप त्रास सहन करावा लागते। त्या हेतूने त्यांना त्रास न व्हावा या उद्देशाने आम्ही तुमसरमध्ये ठिकठिकाणी पाणी प्यावचे उद्घाटन केलेले आहे। तसेच सोबतच चिमण्यांसाठी दाणा आणि पाण्याची सोय एक नवीन एक सुरुवात केलेली आहे तुमसरमध्ये आणि याचा जर सक्सेस झाला की अजून तुमसरमध्ये भरपूर ठिकाणी आम्ही सुरू करू।
मजदूरों को रोजगार मिले तथा उनके परिवार का जीवन यापन हो, इस उद्देश्य से महात्मा गांधी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। इस माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जल संधारण समेत विविध कार्य किए जाते हैं। इसमें भंडारा जिले के 1,21,000 मजदूरों को रोजगार मिला है। मजदूरों को रोजगार देने के मामले में भंडारा जिला राज्य में प्रथम क्रमांक पर है। योजना का जन जागरण और जल संधारण के कार्य, ऐसा उद्देश्य स्थानीय जिला प्रशासन ने रखा है। जिले में योजना के माध्यम से 546 ग्राम पंचायतों में से 362 ग्राम पंचायत अंतर्गत 975 से अधिक रोगायों के कार्य शुरू है। इसमें करीब 1,21,886 मजदूरों को रोजगार मिला है। रोजगार निर्मिति का 100% काम के लिए तहसील स्तर पर प्रशासन कार्य में व्यस्त है। रोजगार गारंटी योजना कार्यान्वित करने के लिए जिला प्रशासन कार्य में जुट गया है। इससे सरकार का उद्देश्य पूर्ण होता है और गाँव का विकास होता है। भंडारा जिला प्रशासन और नागरिकों के निदर्शन में यह बात आ गई है। इस योजना में जिले के 283,817 परिवारों का पंजीयन किया गया है। सड़क अर्जुनी तहसील का कुछ हिस्सा नवीगांव नागछिरा व्याघ्र प्रकल्प से सटा होकर परिसर में निरंतर वन्य जीवों के दर्शन होते रहते हैं। जंगल से सटकर जो गांव है, वहां के किसान बड़े पैमाने पर खेती कार्य करते हैं। तहसील के अधिकांश में किसानों ने रबी मौसम में धान का उत्पादन लिया है, लेकिन इन दिनों किसानों की धान फसल को जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। डुंडा निवासी किसान गौरी शंकर कामले ने अपने खेत में धान फसल का उत्पादन लिया है। रबी मौसम की धान फसल कटाई की स्थिति में है। कामले ने अपने खेत में लगे धान फसल को कुछ दिनों में काटने का मन बनाया ही था कि अचानक जंगली जानवर ने उनके खेत पर हमला कर दिया, जिससे उनकी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बताया गया है कि उन्हें काफी नुकसान हुआ है। वन विभाग से पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। फिहोरा परिसर में कृषि पर निर्भर रहने वाले किसान पूरी तरह हताश हो गए। इस एरिया में खेती के अलावा रोजगार के अन्य कोई साधन नहीं रहने से किसान हमेशा चिंतित रहते नजर आए हैं। इन किसानों ने फसल पर कर्जा ले रखा है। फिहोरा क्षेत्र में बेमौसम बारिश का कहर काफी तेज रफ्तार से अपना असर दिखा रहा है। पिछले 2 माह से हर 2-4 दिन में बारिश अपना असर दिखाती है। नतीजतन फिहोरा परिसर के किसान हताश हो गए, क्योंकि अब उन्हें इस बात की चिंता अधिक सता रही है कि वे लिया गया कर्ज कैसे चुकाएंगे। किसान की ओर से सिंचाई की व्यवस्था को देखते हुए अपने खेती में धान की बुआई की गई। अब कुछ किसानों के धान काटने को आ गया है, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण धान फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ किसान धान फसल को काटने लगे हैं, तो कुछ जगह पर फसल खेतों में कटाई का इंतजार करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ बारिश के कारण फसलें प्रभावित भी हो चुकी है। सिहोरा क्षेत्र के कुछ गाँव में तो धान की फसलें अभी भी पानी में ही डूबी हुई है, जिसके कारण धान काटना और फसल घर ले जाना दूर की बात हो गई है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे औकात, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। 27 अप्रैल को जिले में आत्महत्या की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना में अम्बेडकरवाड तुमसा निवासी सुनील ताराचंद भवसागर उम्र 39 वर्ष ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी घटना में मृतक मार्गी निवासी देवानंद फत्तू गोस्वामी उम्र 60 वर्ष जहरीली दवा खाने से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम आजगांव निवासी देवराम महादेव तांडेकर, सोनी निवासी ईश्वर रामदास देशमुख, पाजगांव निवासी सचिन रामभाव भिवगड़े, ईटगांव निवासी रोशन हीराचंद चंदनखेड़े, हसारा निवासी लक्ष्मण कुमले है। अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत महालगांव निवासी फिरियादी गौतम किशन मेशराम को आरोपी ने गाली गलौज कर पत्थर से फिरियादी को मारकर घायल कर दिया। फिरियादी की शिकायत पर अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डुग्गीपार थाने के तहत राजगुड़ा मंदिर टोला निवासी रमेश किशन मेशराम उम्र 48 वर्ष की मोटरसाइकिल को वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें रमेश की मौत हो गई। फिरियादी अमन प्रेमलाल मेशराम उम्र 24 वर्ष की शिकायत पर डुग्गीपार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। देवरी तहसील के ग्राम साले निवासी 13 वर्षीय किशोरी ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे उपचार के लिए गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
नहरटोला शेजगांव निवासी भूमेश्वरी मेश्राम उम्र 59 वर्ष मोटरसाइकिल से जाते समय डोंगरगांव के गतिरोधक पर संतुलन बिगड़ने से वाहन से गिर गई। इसमें वह घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आवास पर अवैध रूप से शराब का भंडारण और बिक्री किए जाने की गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस घटना में पुलिस ने लाखनी निवासी कोमल दुर्योधन श्याम कुंवर उम्र 56 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाखनी पुलिस आगे की जांच कर रही है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।